अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। देश के 50 में से 48 राज्यों के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और अब तक तूफान से जुड़ी घटनाओं में 48 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका सबसे ज्यादा असर न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया और टेनेसी में है। तो 4 दिन से जारी बर्फबारी से कई शहरों के हालात बदतर हो गए हैं। लोग घरों, कारों और रेस्टोरेंट में कई घंटों से फंसे हुए हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात पूरी तरह से ठप हो गई है। 4 दिन में अमेरिका में 12,000 फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी हैं।